क्या हुआ? ब्रह्मलीन स्वामी हो गए क्या? ब्रह्मा तो शिव के रहने का स्थान मात्र है, जड़ स्थान है, माना जड़त्वमयी बुद्धि वाला है। भले ब्रह्मा के तन में शिव ने प्रवेश किया, लेकिन उस तन को शिवलिंग नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? उस लिंग के द्वारा कोई का कल्याण नहीं हुआ। तो ब्रह्मा कहो या ब्रह्म कहो, उस ब्रह्मलोक में से सारी आत्मा आती है पार्ट बजाने। और ये ब्रह्मा का बुद्ध रूपी पेट है जहां से सारी मनुष्य आत्माएं आती है। शशि रूपी रंगमंच पर ज्ञानी बनती है, सारी दुनिया को ब्रह्मा कुमार कुमारी बनना पड़े। तो कहां से आई? सारी दुनिया के मनुष्य मात्र जो भी ब्राह्मण बनेंगे वो कहां से आवेंगे? ब्रह्मा के बुद्ध रूपी पेट से आवेंगे। वो भी कहते हैं हम ब्रह्मलीन हो जावेंगे दुनियावी सन्यासी, और जो बेसिक नॉलेज वाले सन्यासी हैं वो भी क्या कहते हैं, हम कहां लीन हो जावेंगे? हम ब्रह्मा में लीन हो जावेंगे। या उससे ऊंची गति मिलेंगे, ऊंची उससे ऊंची गति प्राप्त करेंगे क्या? नहीं। हाँ जो ब्रह्मा का हाल हुआ तो उनका हाल होगा। जिसको याद करेंगे वैसे ही बनेंगे ना। जिन्होंने ब्रह्मा को याद किया वो ब्रह्मलीन स्वामी बनेंगे। ब्रह्मा से ऊंची गति तो पावेंगे नहीं। पावेंगे क्या? नहीं पावेंगे। ब्रह्मा से ऊंची गति कैसे हो जाएगी? बाबा को साकार में उन्होंने देखा है। साकार में देखा ब्रह्मा को, लेकिन वो ब्रह्मा का तन शिवलिंग था क्या? वो शिव माना कल्याणकारी लिंग था, सारी दुनिया का कल्याण करने वाला। सारी दुनिया का कल्याण करके गया। हाँ, जो साकार में बाबा को मिले, मिलने के बाद फिर अगर उन्होंने साकार को पहचान लिया तब दूसरी बात हो जाती है। कौन से साकार को? नहीं नहीं, ब्रह्मा बाबा में तब तन में प्रवेश करके शिव ने पार्ट बजाया, उस ब्रह्मा के स्वरूप को जिन्होंने पहचान लिया और भगवान के रूप में मान लिया, गीता का साकार भगवान मान लिया, तो क्या सच्चाई को जान लिया? बाबा वो सारी बात ठीक है, लेकिन उनमें भक्ति मार्ग के संस्कार तो नहीं थे। वो बात लेकिन ब्रह्मा बाबा को भी समझ लिया, उन्होंने ब्रह्मा बाबा को भी भले देखा हो नहीं देखा, लेकिन उनकी उम्र कितनी थी?
70 से ऊपर थी, तो 70 से ऊपर साल होने से साबित हो जाता है कि वो 37 में यज्ञ में नहीं थे, तो आदि में नहीं थे, तो अभी अंत में भी वो उस स्टेज को नहीं पा सकते। और इसके लिए चाहिए पूरा भक्ति से वैराग्य, भक्ति मार्ग का कोई भी संस्कार न रहे। मान लो अगर कोई कहता कुछ है और करता कुछ है, तो भक्त और ज्ञानी में क्या अंतर होता है? ज्ञानी जो कहेगा तो करेगा, और भक्त कहते कुछ है करते कुछ है, तो ये भी भक्ति मार्ग के संस्कार हो गए। यहाँ जितने भी हैं बेसिक नॉलेज में चलने वाले, वो सब दीदी दादी दादाओं को मानने लगे कि नहीं मानने लगे? मानने लगे। बाद में जब ईश्वरीय ज्ञान मिलता है तो बुद्धि में से उन मूर्तियों की डूबी जा हो जाती है। हो जाती है या नहीं? हो जाती है। तो ऐसे ही वहां भी होता है। ये दो रूप हुए देवता रूप सनातन धर्म के, एक है ब्रह्मा द्वारा स्थापना और दूसरी है प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना। यज्ञ के आदि में भी प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना वाले थे, और जो आदि में सो अंत में भी अभी अभी हैं। तो हर धर्म के दो रूप हो जाते हैं। जैसे बौद्धियों में हीनयान महायान, मुसलमानों में इस्लाम और मुस्लिम, क्रिश्चियंस में बाइबल को मानने वाले आस्तिक और बाइबल को न मानने वाले नास्तिक, ऐसे ही ये देवी देवता सनातन धर्म के भी दो रूप हैं। एक है असल सूर्यवंशी आदि वाले, फिर आदि वालों से जिन्होंने ज्ञान लिया रोशनी ली, चंद्रमा किससे रोशनी लेता है? सूर्य से। और पृथ्वी किससे रोशनी लेती है? सूर्य से। तो यज्ञ के आदि में भी उस ज्ञान सूर्य से रोशनी लेने वालों का ग्रुप अलग हो गया। तो इस्लाम धर्म में भी ऐसे ही दो छेड़े हो जाते हैं। जो दूसरा छेड़ा निकलता है वो अंधश्रद्धा को खत्म कर देता है। यहां भी एडवांस पार्टी निकली तो अंधश्रद्धा को खत्म कर देती है। जो अश्लील है जो रामा है, जो साथ है, ये रामा का बच्चे बनेंगे या क्या संबंध बनता है बाकी से? कोई भी संबंध बने, मुख्य रूप से तो बता दिया कि बाप के कितने संबंध होने चाहिए, बाप के साथ कितने संबंध होने चाहिए, सर्व संबंध होना चाहिए। तो जिनके सर्व संबंध होंगे तो सर्व संबंधों के हिसाब से वो गुण भी धारण करेंगे, आज्ञाकारी वफादार फरमानबरदार ईमानदार भी बनेंगे। तो जो इन गुणों को धारण करेंगे वो अष्टदेवों की लिस्ट में तो आवेंगे ही। श्रेष्ठ आत्माएं हैं, लेकिन कोई भी संबंध में रहें वो बाप के सहयोगी बनकर के रहेंगे।
माने निभाने वालों की लिस्ट में होंगे, सिर्फ बोलने वालों की लिस्ट में नहीं होंगे। संबंध जोड़ लेना अलग बात होती है और संबंध को जीवन भर निभाना अलग बात होती है। तो आठ के लिए पूछने की गुंजाइश है कि वो निभाने वालों की लिस्ट में होंगे या नहीं होंगे और किस संबंध वाले होंगे। वो तो सर्वसंबंधी होंगे, सर्वसंबंधी होंगे, उन्हीं के लिए कहा जाता है मेरा तो एक बाबा दूसरा न कोई। हर संबंध की रचना एक से लेंगे, ऐसा भी नहीं कि सरेंडर होने के बाद उनका कोई अपने लौकिक भाई में महत्व हो, ममत्व हो, लौकिक बाप में महत्व हो, ममत्व हो, लौकिक माँ में ममत्व हो या कोई भी संबंधी में ममत्व हो। अगर ममत्व है तो आठ की लिस्ट में आने वाले हो ही नहीं सकते, क्योंकि लास्ट पेपर क्या है, नस्य उमुवा स्मृति लब्धा। वो लास्ट पेपर ही जब ये है तो वो लास्ट पेपर में लंबे समय के पुरुषार्थ वाले होंगे या थोड़े समय के पुरुषार्थ वाले होंगे, लंबे समय के पुरुषार्थ वाले होंगे। उनका बाप के जब से एडवांस में आए होंगे तब से लेकर के और लंबे समय तक उनका बाप से लिंक टूट ही नहीं सकता। बाकी माया तो किसी को छोड़ती नहीं है, आखिरी जन्म में जाके तो सब गिरते हैं नीचे। और गिरते काय के लिए, अलग अलग धर्मों में तो गिरने वाला वो कहा जाता है जो किसी धर्म में जन्म लेने के बाद फिर दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाए, वो काय के लिए गिरते हैं। हाँ वो आत्माएं सभी धर्मों के बाप हैं, सभी धर्मों के पूर्वज हैं, इसलिए वो बाप के साथ जब बाप वर्षा देने जाता है और धर्म वालों को, देहधारी धर्म वालों को, आत्माओं को, तो साथ साथ वो भी सहयोग देने के लिए जाते हैं। तो वो गिरते नहीं है, उसको गिरना नहीं कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, बाप के सहयोगी कहा जाएगा या और धर्म में गिरने वाला कहा जाएगा। सहयोगी है वो तो। और जो चंद्रमा जो है वैष्णव वंशी जो होते हैं वो श्रेष्ठ कहे जाते हैं आचार विचार में, या शैव वंशी, शैव समाजी और ब्रह्म समाजी श्रेष्ठ समझे जाते हैं। वैष्णवी श्रेष्ठ माने जाते हैं, उनका संग का रंग, उनका अन्न, ये सब श्रेष्ठ होता है। हाँ? अगर वो भी संघ के रंग में आने लगे तो फिर विजयमाला की हेड भी औरों के संघ के रंग में आने लगे। अगर औरों के संघ के रंग में आए तो औरों के जो भाव स्वभाव संस्कार है वो उनमें घुस जाएंगे। प्रैक्टिकल संपन्नता आने का सवाल ही नहीं। हाँ जी, विजयमाला का मतलब ये है कि विकारों के ऊपर उनकी विजय प्राप्त रहती है। एक तरह से ये कहें कि वो सन्यासी हैं, शुद्ध सन्यासी, परंतु ज्ञान नहीं है। ज्ञान मिल जाएगा तो पक्के
देवी देवता सनातन धर्म के हो जाएंगे। अगर वीरता वाली प्योरिटी है तो संग में रह करके विकारों पर विजय पाए, पवित्र रह करके दिखाए। वो तो कहते हैं ये असंभव है। भगवान कहता है ये संभव है। असंभव को संभव बनाने वाला भगवान है। लौकिक जन्म लेके ज्ञान में आए होंगे माने अभी क्यों नहीं आएंगे? बाबा ने तो बोला है तुम्हारा पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा। भले शरीर छोड़ दिया तो वो हमारा परिवार नहीं है। जिन बच्चों के माँ बाप एडवांस में चलने वाले, जिन बच्चों के माँ बाप ने शरीर छोड़ दिया वो उनके परिवार की आत्माएं नहीं है। तो जब परिवार की आत्माएं है तो आगे पीछे उनको ज्ञान में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? और पार्टी में चले जाते हैं, इनके कितने जन्म कम हो जाएंगे? ज्ञान में जिस जो जिस धर्म का होगा वो उसी की बात मानेगा ना। मुरली में क्या बोला? जो जिस धर्म का होगा वो उसी की बात मानेगा ना। मान लो कोई कन्वर्ट हो गया दूसरी पार्टी में, तो उस पार्टी का मुखिया जिस धर्म का साबित होगा उसी धर्म में जावेगा ना। ओहो, वो जिस धर्म में जावेगा उसका मुखिया, तो उस मुखिया से संबंधित जो नारायण वाली आत्मा होगी उसके कितने जन्म कम हो जाएंगे? नहीं समझ में आया? अरे जो जिस धर्म में कन्वर्ट हुआ तो उस कन्वर्ट होने वाला का जो मुखिया है वो देखना है कि किस धर्म में कन्वर्ट हुआ। जिस धर्म में कन्वर्ट हुआ उस धर्म का नारायण कौन से जन्म का नारायण है सतयुग का, तो उतने जन्म कम हो गए। ओहो, यूपी में अभी पहली बार माया का राज्य आया कि पहले भी था? तो फिर माया का सबसे बड़ा आक्रमण कहाँ होना चाहिए? नहीं, सबसे बड़ा आक्रमण होना चाहिए जहाँ भगवान प्रत्यक्ष होता है। भगवान की जो भूमि है उस भूमि में माया का सबसे बड़ा आक्रमण होना चाहिए। माया ब्राह्मण संप्रदाय है या शूद्र संप्रदाय है? ब्राह्मण संप्रदाय, शूद्र संप्रदाय। कोई सन्यासी जन्म से ही बाल ब्रह्मचारी होते हैं, जैसे शंकराचार्य, और तो शादी की ही नहीं थी लेकिन पैदाइश उनकी हुई थी गृहस्थियों से। जनैसी कहाँ होती है सन्यासी?
सन्यासियों की तो अपनी गद्दी चलती है, गुरुडम की, गुरु की गद्दी चलती है। एक गुरु चेला, एक गुरु मर गया, दूसरा चेला उनका जो मुखिया होगा वो गद्दी पे बैठ जाएगा। उनको राजा ही अच्छी नहीं लगती है, उनकी गद्दी जमाने के लिए जाते हैं। हाँ, उनकी गद्दी ही जैसे राजा ही है। हाँ, तो उनको समझाना पड़े ना कि गीता का भगवान साकार में था या निराकार में है। साकार में था ना गीता का भगवान, तो जो गीता का भगवान साकार में होगा वो गीता की नस नस को पहचानने वाला होगा ना। गीता के एक एक महावाक्य को हिज्जे हिज्जे करके समझाएगा ना कि नहीं समझाएगा। तो ब्रह्मा ने तो जितना मुख से, शिव बाबा ने ब्रह्मा के मुख से जितना बोल दिया उतना बोल दिया, बाकी उसकी गहराई क्या है वो तो ब्रह्मा की बुद्धि में कभी बैठी नहीं। तो सुप्रीम टीचर कैसे हुआ? बाबा तो कहते मैं सुप्रीम टीचर भी हूँ, सुप्रीम बाप भी हूँ, सुप्रीम सदगुरु भी हूँ। एक ही तन के द्वारा तीनों हूँ, तो ब्रह्मा के तन के द्वारा तो न सुप्रीम बाप कहा जा सकता, न सुप्रीम टीचर कहा जा सकता, न गति सदगति देने वाला गुरु कहा जा सकता। उनको समझाना पड़ेगा ना। जन्म को समझ गया क्या गीता में समझ गया? जगदम्बा, बाबा ने कहा कि ये ब्रह्मा तुम्हारी सच्ची जगदम्बा है, वास्तव में ये ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा है। तो जब जगदम्बा ब्रह्मा ही है और ब्रह्मा की सोल ही जगदम्बा में प्रवेश करती है, तो जगदम्बा और ब्रह्मा का नजदीकी कनेक्शन है ना, तो संग करंग किसका लगेगा? ब्रह्मा का संग करंग लगेगा। ब्रह्मा का संग करंग लगेगा तो गीता का भगवान उसकी बुद्धि में कौन बैठेगा? ब्रह्मा बैठेगा या शिव बाबा बैठेगा? ब्रह्मा ही बैठता है, वो तो और ही ब्रह्मा कुमारियों की अम्मा है। जैसे और ब्रह्मा कुमार कुमारी जो है वो बेसिक वालों के बाप है, एडवांस के जो भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी है वो बेसिक वालों के बाप है या नहीं है? बीज रूप बाप है। तो जो गुण, जो अवगुण बेसिक वालों के ग्रुप में होगा वो ही गुण अवगुण उनके जो बाप होंगे उनमें भी वो गुण अवगुण दिखाई पड़ेंगे। बेसिक वालों में इतने होंगे तो उनमें इतने होंगे। सौ साल, बहुत में बहुत करके 100 साल दो संगम युग को। जो भी धर्म पिताएं आते हैं उन्होंने ज्यादा से ज्यादा कितना टाइम लिया धर्म स्थापन करने के लिए? 100 साल से ज्यादा तो किसी ने नहीं लिया। तो भगवान भी आ करते हैं तो ऊंचे धर्म की स्थापना करते हैं और पुराने से पुराने धर्म को आकर के नए से नया बनाते हैं, सारी दुनिया को पलटने का काम करते हैं। तो कितना टाइम लगना चाहिए? उन धर्म पिताओं से कम टाइम लगना चाहिए या ज्यादा लगना चाहिए? हैं? कम क्यों लगना चाहिए? ज्यादा ही लगना चाहिए, क्योंकि बड़ा काम करना है। हाँ, अब्दुल कलाम के बाद अभी कौन से धर्म जाते हैं? हर मुसलमान के बाद फिर कौन सा धर्म आता है? हैं? मुरली में तो बोला है कोई क्रिश्चियंस को भी प्रेसिडेंट बना के बैठा देंगे। दुनिया का लास्ट धर्म कौन सा होता है? ऐसे तो जो भी धर्म है सब अधर्म बन गए, लेकिन फिर भी लास्ट कौन सा है? हैं?
नास्तिक है, क्रिश्चियंस का ही छेड़ा है, तो नास्तिक बन करके प्रेसिडेंट बन के बैठ जाएगा तो भारत का क्या हाल होगा? फिर अति होगी तभी तो अंत होगा। और लक्ष्मी की सवारी कमल फूल दिखाते माने उसका आसन है कमलासन, जो उसका जीवन चरित्र है वो कमल फूल समान है, ये दिखाने के लिए कमल फूल दिखाया गया। और आजकल की मुर्गियाँ सुन करके बहुतों की समझ व धारणा ये हो गई थी गीता पाठ चलाओ की विविध आत्माओं की सेवा से को कैसे खुलना और खुला लेकिन हस्त की सीमित हो गीता पाठ चलाओ के बाबा की मूर्ति की कैसे खुलना और खुला लेकिन हस्त की सीमित हो गई ये कहाँ तक थी जो भी पॉइंट्स होते हैं उन पॉइंट्स को अगर गाय की तरह उगारी नहीं किया जाएगा, जैसे भोजन चबाते हैं तो चबाने के बाद उसका रस बनता है खून बनता है, अगर उसका मनन चिंतन मंथन ही नहीं किया जाएगा तो फिर वो तो उससे कोई ताकत नहीं आएगी। कोई भी बात सुनी जाए तो सुनने के बाद उसका मनन चिंतन मंथन भी करना जरूरी है ना। मनन चिंतन मंथन वो ही कर सकेगा जो ईश्वरीय सेवा में लगा रहने वाला होगा। अगर सेवाधारी नहीं होगा तो बाप का याद का जो फोर्स है वो उस आत्मा में आ नहीं सकता, फिर मनन चिंतन मंथन भी नहीं आ सकता। मनन चिंतन मंथन तेजी से चले इसके लिए बहुत जरूरी है दूसरों की सेवा करना, और ईश्वरी याद में रहने से भी सेवा होती है, वाइब्रेशन सुधरता है। अगर अमृत वेला सुधार लिया अच्छी से याद आती है तो भी मनन चिंतन मंथन चलेगा। और उनके 8 जन्म होते हैं सतयुग में और 13 जन्म होते हैं त्रेता में, वो और उनके बाद आने वाली जो भी आत्माएं हैं उनके उत्तर कम जन्म होते जाते हैं। सात जन्म सतयुग के, 13 जन्म त्रेता के, कितने हुए? 21 जन्म हो गए, 63 जन्म कलयुग द्वापर के। और बाकी जो राम और राम जैसी सूर्यवंशी आत्माएं हैं उनके 21 जन्म हो जाते हैं, 9 जन्म सतयुग में और त्रेता में 12 जन्म। और क्योंकि अविनाशी बाप यहाँ इस खंड में ही आते हैं, अविनाशी बाप अविनाशी ज्ञान देने के लिए भारत खंड में ही आते हैं, और खंडों में नहीं आते ना, और खंड वाले अविनाशी ज्ञान को धारण करते हैं पूरा, इसलिए जन्म ही कम लेते हैं। ज्ञान कम धारण करेंगे तो जन्म भी कम लेंगे, ऑलराउंड पार्ट भी नहीं बजाएंगे, अनुभवी भी वो आत्माएं कम बनेंगी, पावर भी उन आत्माओं में कम आवेगी,
चौरासी के जुमले में आ गया था यहाँ शरीर छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे। चौरासी जन्म लेने वाला राधा कृष्ण होगा या नहीं, उनके अंग संग रहने वाले जब राधा कृष्ण के 84 जन्म होते हैं या नहीं होते हैं, तो उनके अंग संग रहने वाले भी बहुत से ऐसे होंगे जो 84 जन्म लेंगे। जब उनके उनके जो गुरु हुए हैं जिन्होंने भगवान मान लिया धर्म पिता मान लिया उनको ही शरीर छोड़ना पड़ता है, तो उनके फॉलोअर्स को शरीर नहीं छोड़ना पड़ेगा, उनको भी शरीर छोड़ना पड़ेगा क्या, छोड़ रहे हैं और उसी तरह शरीर छोड़ रहे हैं जैसे ब्रह्मा सरस्वती ने अचानक मौत से शरीर छोड़ा, वैसे ही उनके फॉलोअर्स भी अचानक शरीर छोड़ रहे हैं और सूक्ष्म शरीर धारण कर रहे हैं। सेवा तो उतनी ही करेंगे जितना उन्होंने ज्ञान समझा होगा। भूत प्रेत आत्मा कोई नई नई जन्म शरीर छोड़ करके आई अचानक, वो किसी में प्रवेश करेगी, प्रवेश करने मात्र से उसकी एडवांस ज्ञान समझ में आ जाएगा, नहीं आएगा, वो भटकती रहेगी बहुत समय तक। जब पूरा ज्ञान समझ में आ जाएगा तो मुक्ति हो जाएगी। साकार में नहीं फिर अगर भाई साकार शरीर में प्रवेश करना पड़े करना पड़े जब वो सेवा समझने के बाद सेवा कर पाएगी। सेवा उतनी ही करेंगे जितना ज्ञान को गहराई से समझेंगे, प्रवेश करने मात्र से ही उनके अंदर वो ज्ञान नहीं आ जाएगा, जिसमें प्रवेश किया है वो आत्मा जितना एडवांस ज्ञान समझेगी। और शंकर भी पाप करता है, शंकर भी पाप करता है, शंकर पाप करता नहीं करता है, करता है, शंकर को देवान होता है नहीं, पाप कैसे होता है। है? पाप तो देवान से होते हैं, बिना देवान के तो पाप होते नहीं। तो कई लोग कहते हैं आप उनकी बात कैसे धारण कर लेते हैं, हैं? आप नहीं धारण करेंगे। शंकर फरिश्ता है या देहधारी है, फर्श की दुनिया वालों से उसका रिश्ता है या नहीं है, है? फर्श की दुनिया वालों से रिश्ता है नहीं है? जब फर्श की दुनिया वालों से कोई रिश्ता ही नहीं, आत्मा आत्मा भाई भाई, दूसरा कोई रिश्ता है ही नहीं, तो फिर पाप कर्म कैसे बनेंगे? अगर पाप कर्म शंकर के द्वारा होंगे तो बाप की प्रवेशता कैसे साबित होगी? बाप के लिए तो बोला है जहां बाप है वहां पाप नहीं, जहां पाप है वहां बाप नहीं, तो सबसे ज्यादा बाप का प्रवेश किस में है? शंकर में। वो मुकर्रर रूप से प्रवेश है, फिर पाप क्यों? हाँ ये कहा है, इसीलिए बोला है कि शंकर को कर्मों में फॉलो नहीं करना है। क्या शंकर को अगर फॉलो करेंगे तो उल्टे हो जाएंगे। इसलिए भक्ति मार्ग में रामायण में एक चौपाई भी लिखी है तुलसीदास ने, समर्थ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक जल सम की नाई। जैसे सूर्य होता है तो कितनी भी गंदगी सारी दुनिया में फैल रही हो वो सूर्य सारी गंदगी को सुखा देता है, उसको कोई दोषी नहीं मानता कि गंध खाता है, गंध सोख जाता है। अग्नि अग्नि समर्थ है, सारे कचरे को जलाए देती है, भस्म कर देती है, तो उनकी शरीकत नहीं की जा सकती।
और ब्रह्मा का पार्ट सहज पार्ट है या कठोर पार्ट है? तो सहज को सब फॉलो करेंगे या कठोर को फॉलो करेंगे? हैं? सहज को सब फॉलो करेंगे। दूसरी बात, कृष्ण और क्राइस्ट की राशि मिलाई जाती है क्यों? क्रिश्चियन लोग की विशेष गुण क्या बताया है? हैं? ठंडा क्रोध होता है, बाहर से बड़े अच्छे सौम्य दिखाई पड़ते हैं और अंदर से क्रोध भरा रहता है। तो क्रिश्चियन में ये गुण कहाँ से आया? कृष्ण से आया या राम से आया? कहाँ से आया? कृष्ण से आया। तो ब्रह्मा का भाव स्वभाव वेशभूषा खान पान रहन सहन बोल चाल सब कैसी होनी चाहिए? देखने में एकदम बढ़िया रिफाइन। जैसे सावरकर के लिए बोला, सावरकर आया था हिंदू महासभा का अध्यक्ष, दो चार दिन रखा भी अंदर, जब वो चला गया तो कहते ये थोड़ा ही सभी हुआ भैया। तो सावरकर ने ये पहचान पाया होगा कि इनके अंदर हमारे अंदर हमारे लिए बुखार भरा हुआ है। और इसलिए सहज सहज को सब फॉलो कर लेते हैं। जो कठोर पार्ट है, जिसका कड़क पार्ट है, उसको फॉलो करना मुश्किल होता है। थोड़े समय कोई फॉलो भी करेंगे, हिम्मत भी करेंगे सत्व प्रधान स्टेज में, फिर ठंडे हो जाएंगे। सदाकाल की भुजाएं नहीं होती, ब्रह्मा की भुजाएं होती हैं। सदाकाल हजार भुजाएं दिखाते हैं, लेकिन शंकर की भुजाएं नहीं दिखाते, क्योंकि उनके सहयोगी बनना कोई आसान बात नहीं है। आदि से अंत तक उनके जैसा पार्ट बजाते रहना, उनके साथ सहयोगी बन करके रहना, ये मासी का घर नहीं है। दिल्ली में एडवांस की स्थापना हुई 76 में, तो घरों घरों में गीता पाठशालाएं खुलने लगी। जहां जहां गीता पाठशाला में जाकर के स्थापना का काम शुरू हुआ, दो चार महीने काम तेजी से चलता, फिर ब्रह्मा कुमारियों का दबाव पड़ने लगता, बंद करो, मजबूर हो जाते, हाथ जोड़ लेते, बस इतना ही सहयोग कर पाएंगे। सारी गीता पाठशालाएं बंद होती जाती, नई नई खुलती जाती, बंद होती जाती। अभी भी माया की आखिरी परीक्षा होगी। अब पता चलेगा कि आखिरी सहयोगी आखिरी तक कितने सहयोगी बन के रहते। इसलिए जगन्नाथ की भुजाएं नहीं दिखाई जाती। जो मुख्य भुजाएं हैं सहयोगी, जगदम्बा और लक्ष्मी, दाई भुजा और बाई भुजा, वो ही सदाकाल सहयोगी नहीं बन पाते। मेरे साथ रहने वाले मेरे को नहीं पहचान पाते। माला के नंबर बनने की नहीं बनने हैं?
तो जब नंबर बनने हैं तो दुनिया कैसे मानेगी कि ये अव्वल नंबर है, ये दूसरा नंबर है, ये तीसरा नंबर है? अगर सब आदि से अंत तक सहयोगी बन करके देखने में आवेंगे तो फिर सबका नंबर लग जाना चाहिए। हाँ, ये हो सकता है कोई थोड़े टाइम के लिए डिटैच होकर के रहे और कोई लंबे समय तक भी अलग होकर के रहे, भूले हुए बन करके रहे, अनिश्चय बुद्धि बन करके रहे। जिन अष्ट देवों को देवताओं को दिखाते हैं, पृथ्वी जलवायु अग्नि को, रावण ने अपनी पाटी से बांध रखा था, चारपाई से, भक्ति मार्ग में दिखाते हैं, यानी पूरा ही उनको अधीन कर लिया। तो कहाँ के हुए? चार आत्माएं हैं नहीं, रुद्रमाला विजयमाला दोनों मिलकर के विष्णु की पूजा बनती। लेफ्ट साइड की भुजाएं रुद्रमाला की है और राइट साइड की विजयमाला से है। हाँ, जो पांच तत्व हैं वो विजयमाला से थोड़े ही हो सकते, वो तो अष्ट देवों में दिखाए जाते हैं। अग्निदेव, वायुदेव, वरुण देव, और ये तो नहीं क्यों, जगदम्बा सूर्य वंश से है या चंद्रवंश से है? चंद्रवंश से है। तो अष्टदेव जो सूर्य वंश से होंगे या चंद्रवंश से होंगे? वो अष्टदेव में भल नहीं है, लेकिन उसके मानिंद पार्ट बजाने वाली कोई तो होगी चंद्रवंशी बीज, जो विजयमाला की बीज हो। तो विजयमाला का बीज कोई होना चाहिए कि नहीं सूर्यवंशियों में? तो जो भी बीज होगा वो पृथ्वी तत्व का भी बीज है। हाँ, बाबा रामायण ने बताया कि सीता माता को दक्षिणी समाज है, सीता माने ठंडी और सूर्य माने गर्म, बाप होता है गर्म और माता होती है ठंडी। सीता माता है तो कहाँ समाएगी? धरती से ही निकलती है, धरती से ही समा जाती है। अष्टदेव जो है वो अलग अलग धर्मों से अंतिम जन्म में अलग अलग धर्मों से कनेक्टेड होते हैं या ये सब एक ही धर्म के होते हैं अंतिम जन्म में? तो अलग अलग धर्म से कनेक्टेड है तो उनमें अलग अलग धर्मों के संस्कार भी तो होंगे आखिरी जन्म में, एक ही होंगे, तो उनमें कोई सूर्यवंशी और चंद्रवंशी भी होगा या नहीं होगा? हैं? जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी होगा वो पहले प्रवृत्ति मार्ग का परिवार बनाएगा या दूसरे बनाएंगे? हैं? जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी अंतिम जन्म में संस्कार वालों होगा, असंस्कार वाला होगा, वो पहले परिवार तैयार कर लेगा प्योरिटी की पावर से। और नई दुनिया बनाने वाले सूर्यवंशी
तो वो ही तो नई दुनिया बनाने वाले हुए। परिवार बनाने वाले माँ बाप होते हैं या बाहर से होते हैं, वो उनका परिवार होंगी, प्रजा होंगी। परिवार और परिवार में राज परिवार और राज परिवार में प्रजा, यथा राजा तथा प्रजा। किसी को नीचे दृष्टि से देखा जाने की बात ही नहीं, इसलिए सब ठीक चलता है। राजा में अगर अहंकार हो तो ठीक चलेगा, नहीं चलेगा। अहंकार के कारण राजा फिर अपना किला अपना महल लंबा चौड़ा बनाएगा, बाकी प्रजा को दास दासी बना के रखेगा, अपनी सुरक्षा के लिए सेना बना के रखेगा, पुलिस बना के रखेगा, दास दासी बनाएगा। जो सच्चा राजा और उसकी जो सच्ची प्रजा होगी वो परिवार के मुआफिक रहेगी या उनकी दास दासी बन के रहेगी? परिवार मुआफिक रहेगी। परिवार के बच्चे से पूछा जाए ये कारखाना किसका है, कहेगा मेरा है। नहीं कि ये कहेगा मेरा नहीं है, मेरे बाप का है। अपनापन महसूस हो, नहीं तो द्वापर कलयुग की द्वैतवादी दुनिया में तो आधा में जाम आधा में रैयत हो जाती है। आधी धन संपत्ति में राज परिवार पलता है, राजा का परिवार, और आधी धन संपत्ति में सारी प्रजा पलती है। कितना फर्क हो जाता है। रचयिता साकार होता है या निराकार होता है? हाँ, साकार होता है। तो आत्मा निराकार है साकार? आत्मा रची थोड़ी जाती है, आत्मा तो अविनाशी है। जो चीज रचना होती है वो तो विनाशी होती है। आत्माओं का पिता इस आधार पर है कि आत्माओं को अपनी पहचान देता है कि मैं आत्मा हूँ। उससे पहले वो अपन को आत्मा नहीं समझते हैं, देह समझते हैं। जब देह समझते हैं तो उनका बाप रावण, फिर जब अपन को आत्मा समझते हैं तो उनका बाप राम हो गया, सुप्रीम सोल हो गया। जैसे बाप को सर्वशक्तिमान कहा है तो माया को भी सर्वशक्तिमान कहा है, तो उनके खाने में विश्वास में माया भी उनका पाई हो गया। जब टाइम बीत गया फिर पुरुषार्थ करने से फायदा है? जब टू लेट का बोर्ड लगा तो जैसे ही टू लेट का बोर्ड लगता है माया फुल सरेंडर हो जाती है बुद्धि से। तब तक कोई बुद्धि से सरेंडर ही नहीं हो पाता। रुद्रमाला का कोई भी मणका बुद्धि से सरेंडर ही नहीं हो पाता तब तक। और वो जैसे ही उसको पक्का निश्चय बैठता है कि बाप आया हुआ है, वैसे ही फट से निश्चय बुद्धि होकर के बुद्धि से सरेंडर हो जाती। जैसे चलाओ वैसे चलेंगे। तो माया पहले नंबर पर सरेंडर होती है। तो एडवांस में होगी या बेसिक में होगी? है एडवांस में होते हुए भी वो विरोधी ग्रुप में होगी, और बेसिक वाले तो विरोधी ग्रुप में है ही है। बेसिक वाली आधार मूर्त माया हो गई, एडवांस में बीज रूप माया हो गई।
मंदिर का मुद्दा लेके बीजेपी गवर्नमेंट भी आई 5 साल गवर्नमेंट भी था, बाद में राम मंदिर का गवर्नमेंट चल रही है, राम का मंदिर बनाने का सोचे है, तो गवर्नमेंट आएगा ये जनता पार्टी है। जनता पार्टी बेसिक में तो नहीं है, वो तो जानकार है नहीं, जानते ही नहीं है। एडवांस में तो जनता पार्टी है, जनता पार्टी है तो राम का घर बनाने में लगी हुई है कि नहीं लगी हुई है? ऐसा घर बनाने में लगी हुई है जहाँ कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, ऐसा ग्रुप ऐसा संगठन बनाने में लगी हुई है नहीं लगी हुई है? लगी हुई ऐसे ही वहां भी है, वो बाहर की दुनिया की जनता पार्टी है, ये अंदर की दुनिया की जनता पार्टी है। बाहर की दुनिया में भी जनता पार्टी शुरू हुई तो एजिटेशन गुजरात से शुरू हुआ, अंदर की ब्राह्मणों की दुनिया में भी जनता पार्टी शुरू हुई तो गुजरात से एजिटेशन शुरू हुआ। एडवांस का एजिटेशन शुरू करने वाला कौन था नेता? जयप्रकाश नारायण। और ब्राह्मणों की दुनिया में भी कोई जयप्रकाश नारायण? और उनका सहयोगी कौन था? कृष्ण मुरारी देसाई। तो यहाँ भी ब्राह्मणों की दुनिया में कृष्ण मुरारी देसाई सहयोगी बनता है। बाल लंबे कर देते हैं, दाढ़ी बढ़ा देते हैं, या अपनी सच्चाई बता देते हैं, और साधु सन्यासी जगाएं उनकी सारी उलझी हुई होगी, जितना पुराना होगा उतना क्या दिखाएगा, हम ज्यादा उलझी हुई लंबी चौड़ी जगाओ वाले हैं, बहुत पुराने हैं, पुराने ऋषि मुनि सन्यासी। जगह क्या काम करती है कि उनकी ज्ञान की जगहें उजली हुई है, सुलझी हुई नहीं है। और दाढ़ी मूछ क्या काम करती, भिखारी है कि नहीं भिखारी? भिखारी बहुत से साधु सन्यासी ऐसे होते हैं, अपना माथा पूरा ही मुड़ा देते हैं, वो ये साबित करते हैं कि हमारा माथा माया ने मोड़ दिया। पांडव उन्हें कहा जाता है जो ज्ञान को सुनते भी हैं, धारण भी करते हैं, उस पर चलते भी हैं। सुनते हैं, सुनाते हैं, धारण करते हैं, दूसरों को धारण कराते हैं और उस ज्ञान पर प्रैक्टिकल में चलते भी हैं। उन्हें पांडव कहा जाता है। कौरव उन्हें कहा जाता है जो ज्ञान को सुनते तो हैं, दूसरों को सुनाते भी बहुत हैं। जैसे द्रोणाचार्य, जैसे भीष्म पितामह, ज्ञान सुनाने वाले भी बहुत होते हैं, सुनते भी बहुत हैं, सुनाते भी बहुत हैं, लेकिन धारण नहीं करते तो चलने का सवाल ही नहीं। और यादव बहुत हैं, बल क्लास में बैठे हुए हैं लेकिन अपनी दुनियादारी के चक्कर में लगे हुए हैं, कैसे ज्यादा से ज्यादा गीता पाठशालाओं के इंचार्ज बने, कैसे बड़े बड़े सेंटर खोलें और उनके इंचार्ज बन के बैठ जाएं, कैसे अपनी सत्ता बढ़ाई जाए, मान मर्तबा बढ़ाया जाए, माने दुनिया भी बातों में उनकी बुद्धि चलती रहती है। न ज्ञान सुनते हैं, न दूसरों को सुनाते हैं, न धारण करते हैं, न दूसरों को धारण कराते हैं, और न प्रैक्टिकल जीवन में ज्ञान को अनुसरण करते हैं। उनको कहा जाता है वो यादव। माया, गीत बना दिया है उत्तर उत्तर भारत में, ऐसा माताएं गीत गाती हैं उत्तर भारत में, माया नजरिया मारी गई रे, ब्रह्मा को मारी, विष्णु को मारी, शंकर की दाढ़ी हिलाई गई रे, गुस्सा आई गई, मार तो नहीं पाया लेकिन शंकर की दाढ़ी हिला के भाग गई।
हैं? शंकर के दोनों तरह के चित्र दिखाए जाते हैं, दाढ़ी मूछ वाला भी चित्र दिखाया जाता है और क्लीन शेप वाला भी चित्र दिखाया जाता है। शंकर को बहुरूपिया समझो, और बच्चे के रूप में भी दिखाया जाता है, नौजवान के रूप में भी दिखाया जाता है, सफेद दाढ़ी मूछ वाले वाले रूप में भी दिखाया जाता है, वो कभी बुढ़ा बन जाता है, कभी बच्चा बन जाता है, कभी नौजवान बन जाता है। भक्ति मार्ग में बताया बाबा, शंकर के पेट के ऊपर काली माता ने पांव रखे हैं। ऐसे बेइज्जती थी करी, फिर बाद में पता चला तो जीव निकाल दी। हाँ, ये क्या हो गया हमने? ये सिर्फ यहाँ बताने के लिए है, वहाँ अनुशासनहीनता होती है। जब अनुशासनहीनता ही नहीं है, कोई विरोध करने वाला ही नहीं है, तो किसके ऊपर शासन करेंगे? तो शासन की वहाँ बात है ही नहीं, जो किसी के ऊपर राजा ही करने वाली बात हो। न कोई ऊंचे है न कोई नीचे। ये यहाँ देखेंगे संगम युग में, जब रिजल्ट निकलेगा तो पता चलेगा कौन ऊंचा है और कौन नीचा है। संगम युग स्वर्ग में अभी देखने में आवेगा, इसी जन्म में। अभी कौन कह रहा है संगम युग स्वर्ग? हाँ, संगम युग स्वर्ग क्या कोई अगले क्या 100-200 साल के बाद आएगा? अभी माने 30 साल के अंदर ही आएगा ना। हाँ, तो उसी में देखेंगे, उसी में रिजल्ट निकल आएगा। किसको दास दासी पनी की स्टेज पे रहना है, किसको चांडाल की स्टेज पे रहना है, किसको राज्याधिकारी की स्टेज पे रहना है, और किसको राजा की स्टेज पे रहना है, किसको महाराजा की स्टेज पे रहना है। बाबा कहते पंजाब की धरती उपजो हुए, पंजाब की धरती उपजो हुए, उपजो मना देती ज्यादा उपजाऊ उपजो हुए। इधर आपने जो खेत है, अपन बहुत डाल माना खा जाते, पूरा दिमाग खा जाते उसको, माना दिमाग तुरंत खा जाती है, खाते चार जमीन पूरा मट्टी बना डालती है। वो पंजाब की धरणी नहीं है, हरियाणा की धरणी है, पंजाब के बॉर्डर पर है वो खेत जो है, वो पंजाब के बॉर्डर पर है, लेकिन है हरियाणा की धरणी, पंजाब की धरणी नहीं है वास्तव में। और भगवान अरब नाम पड़ा ना, अरब जिनका कोई रब ही नहीं, जिनका कोई भगवान ही नहीं, उनके मुल्ला मौलवी ही बन के भगवान, जो उन्होंने नियम बना दिया देहधारी गुरुओं ने, बस वो ही भगवान है। एडवांस पार्टी में भी दो रूप हैं, एक है अकाल तख्त, जिस तख्त को कोई काल खा न सके, जिसके लिए वो अकाल तख्त जो है वो शरीर में होता है कि आत्मा में होता है? शरीर है अकाल तख्त, जो प्रकृति है वो क्या है? अकाल तख्त, और उस पर बैठने वाला कौन है? आत्मा। तो कोई आत्मा है
जो अकाल तख्त पर बैठने वाली है उसके लिए घोषणा की हुई है, नैया डोलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। माने वो सिख लोग जिसको समझते हैं लकड़ी के तख्त को, उसकी बात नहीं है। कोई लक्कड़ बुद्धि आत्मा है जो भगवान के साथ लंबे समय तक रहने के बावजूद भी भगवान को नहीं पहचान पाती, लेकिन भगवान के साथ लंबे समय तक रहने के कारण उसका भाग्य इतना ऊंचा बन गया है कि उसको वरदान मिला हुआ है कि नैया डोलेगी लेकिन डूब नहीं सकती। तो वो अकाल तख्त की बात है। और एक है सच्चा डेरा। डेरा किसे कहते हैं? सेना का पड़ाव डालते हैं ना, तो कहते हैं डेरा डाल दिया। तो भगवान ने भी सच्ची पर आकर के डेरा डाल दिया। अभी झगड़ा चल रहा है उन दोनों का। हाँ जी चार पति, पांच पति और एक पत्नी। तो एक कैसे है? पांच पति होना चाहिए। पांच ही पति तो है जो होना चाहिए, सही तो है। पांच पति ही तो है। हाँ कोई, अरे कोई ब्रह्मा कुमारी बनती है, एक सेंटर में ट्रांसफर हुआ तो वहाँ कोई मुखिया भाई होता है कि नहीं, सुरक्षा करने वाला? तो कहते हैं कि वो उसने पति का काम किया, माने सुरक्षा की। ऐसे दूसरे सेंटर में ट्रांसफर हो गया तो वहाँ कोई मुखिया भाई होगा या नहीं होगा? वहाँ भी होगा, तीसरे में, चौथे में, पांचवे में। तो पांच पति हो गए, बाकी कोई है? ऐसे थोड़े ही कि जैसे समझते हैं लोग और उसको फॉलो कर लिया। फिर पांडवों ने भी ये प्रथा चलाई, पांच पति होने चाहिए स्त्री को, तो उन्होंने फॉलो कर लिया। नहीं, वो तो सुरक्षा करने की बात है। शिवके गण जो नंदी गण है उसको दो सिंग दिखाए गए हैं। माना जानवर बुद्धि है कोई? क्या जानवर बुद्धि है? थोड़ा बुद्धि ठस है। शिव को भी जो बैल दिखाया जाता है उसका नाम क्या रखा है? नंदीगण। वो भी रुद्रमाला का एक मणका है। गण इसलिए कहा जाता है कि कम से कम दो हैं, दो का समूह है। जैसे कांग्रेस पार्टी जब शुरू हुई थी, जब ईश्वरीय ज्ञान शुरू हुआ था उसी समय कांग्रेस पार्टी भी शुरू हुई, तो उनका निशान क्या था? दो बैलों की जोड़ी। तो यज्ञ के आदि में भी ये दो बैलों की जोड़ी थी, नंदी गण। उनको सींग है, जैसे बाबा मुरली में कहते हैं कि पृथ्वी बैल के सींगों पर सदी हुई है। जब देखते हैं एक बैल पर, एक सींग पर पृथ्वी का बोझ धारण करते करते सींग थक जाता है, ऐसे करके दूसरे सींग पर रख लेते हैं, एक दायां सींग एक बायां सींग। आज की किसने नहीं बताऊंगी? हाँ, मुझे
इंदिरा गांधी का निशानी कर दिया आपकी, उन्होंने पहले बैल जोड़ी, उन्होंने हाथ निशानी कर दी, गौरव गवर्नमेंट से कनेक्टेड है ना, कौरव गवर्नमेंट और पांडव गवर्नमेंट, विकारी गवर्नमेंट और निर्विकारी गवर्नमेंट। तो जो विकारी गवर्नमेंट होगी उसका मूल क्या होगा, विकार या निर्विकार है? अरे विकारी कौरव गवर्नमेंट होगी तो उसका मूल क्या है, मूल सिद्धांत काहे पे टिके हुए हैं विकारी दुनिया बनाने पर? हाँ कितने विकार हैं, पांच विकार हैं, ये है अकेली। इन पांच विकारों को बुद्ध रूपी अकेली में सदैव धारण करके रखो। एक आदमी ऐसा था बाबा बॉम्बे में, शिवसेना का जो मुखिया था बाल काट ठाकरे, उसको माना उसको बाल को भी धक्का लगा है कि ऐसा सारी दुनिया उसका नाम लेते हो काफी थी क्या माना उसका जब नाम था दुनिया में रोशन बॉम्बे में उसका नाम माना उसको आटा पड़ने वाली थी ऐसा प्रॉब्लम मिल गई थी उसकी वजह से उसके कुछ सबूत मिले थे दुनिया को उसको आटक होने वाली थी तो उसको आटक होने के पहले ही इधर दुनिया में सवाल लग रही थी इसका मतलब माना मुखिया था शिवसेना पार्टी जानता है बाल ठाकरे उसका उसके बारे में कुछ पब्लिक को सबूत मिले थे तो उसको अटक करने का संदेश आया था अटैक कर रहा है इसको अटैक करने का अंदर जेल के अंदर उसके ऊपर आक्रमण करना तो उसके बाल को भी धक्का लगने से पहले सारी दुनिया में आग लगती थी ना इतनी पावर थी इसके अंदर आप बिल्कुल कम हो गई मैं अभी अभी आग कम हो गई इसका प्रूफ क्या है नाम ये सन 76 की 78 की बात बता रहे सन 76-78 में एडवांस पार्टी का जो जोर था जो जितनी बढ़ती कला थी वो बढ़ती कला अभी है पहले धड़ाधड़ गीता पाठशालाएं खुलती चली जा रही थी वो तो अभी भी खुल रही है लेकिन उनमें फॉलो करने वाले स्टूडेंट्स कितने होते हैं वो तो सभी जगह ऐसे ही होता है हर बात में चार अवस्थाएं होती हैं तो शिवसेना की भी चार अवस्थाएं सतो प्रधान सतो सामान्य रजो और तमो तमो प्रधान स्टेज है तो कोई भी गीता पाठशाला में चले जाओ रजिस्टर उठा के देखो कितने आते हैं सब क्रिश्चियंस बन गए होंगे मुसलमान बन गए होंगे कुछ थोड़े बने होंगे हैं जो 7 दिन में एक बार क्लास करें तो उनको क्या कहेंगे क्रिश्चियन या मुसलमान तो इन धर्मों का प्रभाव पड़ गया सबके ऊपर कलयुग के अंत में सारी दुनिया विदेशों से प्रभावित हो जाती भी नहीं पश्चिमी सभ्यता हावी तो हावी हो जाती है नहीं तो हावी हो गई एडवांस पार्टी के ऊपर एडवांस पार्टी का हो चाहे वो शिवसेना का हो सप्ताह में एक बार पहले कब जाते थे जब एडवांस में निकले थे तो कितनी बार जाते थे सप्ताह में कितनी बार जाते थे हैं शुरुआत में जब एडवांस में निकले तब कितनी बार जाते थे शुरुआत से ही क्रिश्चियन है हैं हैं हाँ वही बात है एक ही बात है वो घर में ही नमाज पढ़ लेते हैं सातवें दिन जुमा 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 मस्जिद में चले जाएंगे मुरली में क्या बोला है क्लास रोज करना चाहिए या 7 दिन में एक बार करना चाहिए
मुरली में तो बोला रोज क्लास करना चाहिए, हैं? हफ्ते में एक बार ही होता, माने गीता पाठशाला ही जामा मस्जिद बन गई। हैं? रोज क्लास चलता है ना, हाँ देखो। और लातूर का नाम ही है लातूर, तूर माने झंडा, ला माने ला, झंडा उठा के ले आ। फिर त्रिमूर्ति शिव का झंडा कैसे गाड़ा जाएगा? और दूर है तो आप चौथे दिन क्यों नहीं जाते? सात सात दिन का ही क्यों हिसाब बना लिया? अच्छा, और बोलो 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 क्या बात है? संगठन माना यूनिटी, यूनिटी कैसे बनती है? प्योरिटी से। तो दिनों दिन प्योरिटी घटती जा रही है, बढ़ती जा रही है? काई की शूटिंग हो रही है? प्योरिटी घटेगी तो यूनिटी भी घटेगी, गीता पाठशालाओं का संगठन भी कम दिखाई पड़ेगा। प्योरिटी बढ़ेगी तो यूनिटी भी दिखाई पड़ेगी। हो गया।